clear to all of you, please thumbs up. Is my voice clear? Okay. अब देखो बेटा, today we will learn how to define how to design a website. आपने ये देखना है कि हमने वेबसाइट को कैसे डिफाइन करना है, उसके लिए हमने लोकल रूट कैसे क्रिएट करना है. अब अगर इसकी पहले स्क्रीन देखते हैं, ड्रीमेबल की स्क्रीन देखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर आपके पास क्या आएगी, मेन्यू बार आएगी. अगर आप फाइल पे क्लिक करते हो तो फाइल से रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी. अगर एडिट पे क्लिक करोगे तो एडिट से रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी. व्यू पे क्लिक करोगे तो व्यू से रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी. उसके बाद नीचे क्या है, आपके पास इंसर्ट बार है. इंसर्ट बार में देखो कि आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ये देखिए कॉमन आ रहा है, लेआउट आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, टेबल आ रहा है, फ्रेम्स आ रहा है, फॉर्म्स आ रहा है. ये जस्ट ड्रैग्स एंड ड्रॉप्स ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा. अगर आपने ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, तो आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, इंसर्ट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी. अगर इसके आप बिल्कुल राइट पैनल में देखते हो तो राइट पैनल में देखो कि जो भी आप वेबसाइट डिजाइन करोगे, जो भी वेबसाइट क्रिएट करोगे, जैसे इधर मैंने वेबसाइट का नाम लिखा है साइट स्कूल, तो स्कूल से रिलेटेड सारे के सारे फोल्डर जो है वो खुद ब खुद इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे फाइल के अंदर. ठीक हो गया. अब देखो कि हमने क्या करना है, हमने एक साइट क्रिएट करनी है. तो आप सबसे पहले ऊपर मेन्यू बार में जाओ. मेन्यू बार में देयर इज अ ऑप्शन, साइट की ऑप्शन है. इस साइट की ऑप्शन पे क्लिक करो, जस्ट क्लिक ऑन अ साइट ऑप्शन. आपने साइट ऑप्शन पे क्लिक कर दी. अब देखो कि आपके पास जो पहले से बनी हुई वेबसाइट होगी वो राइट साइड पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी लाइक दिस. लेकिन अब इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू साइट, क्लिक ऑन अ साइट. आपने साइट पे क्लिक किया. अब देखिए वो आपको दे रहा है न्यू साइट और एडिट साइट. एडिट साइट मीन्स दैट कि आपने जो पहले वेबसाइट क्रिएट की हुई है उसको आप एडिट करना चाह रहे हो. इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू साइट, जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू साइट. मैंने क्लिक किया न्यू साइट पे. अब न्यू साइट पे आपने क्लिक किया, देयर इज एन ऑप्शन. अब वो कहेगा कि जैसे हमने डोमेन नेम रखते हैं, कि वो कहेगा, पूछेगा आपसे कि आपने व्हाट वुड यू लाइक टू नेम योर साइट. कि अब आपने जो भी नेम रखना है, सपोज दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट वेबसाइट रिलेटेड टू लाहौर. मैंने लाहौर से रिलेटेड वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहा हूँ, तो सो आई राइट एपीएल अपना लाहौर. मैंने साइट का इट्स माय साइट नेम अपना लाहौर डॉट कॉम. ठीक हो गया बेटा, अपना लाहौर डॉट कॉम. आई हैव गिवन अ नेम टू माय साइट अपना लाहौर डॉट कॉम. आपने अपना लाहौर डॉट कॉम, उसके बाद आपने नेक्स्ट किया. नेक्स्ट करने के बाद देखिए देयर आर टू ऑप्शंस. अब वो फिर आपसे दो ऑप्शंस आपको शो कर रहा है. वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू वर्क विद द सेवरल टेक्नोलॉजी सच एज कोल्ड फ्यूजन, एएसपी, जेएसपी और पीएचपी. आपने बैकएंड पे इनको यूज करना चाह रहे हो. अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो यू नीड टू क्लिक ऑन यस. अब आप क्या कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि नो आई डोंट वांट टू यूज सर्वर टेक्नोलॉजी, हम तो अभी सर्वर यूज नहीं कर रहे. तो आपने क्लिक कर दिया नो पे. ठीक हो गया. अगर आप सर्वर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, अगर आपके पास स्पेस है, होस्टिंग है, और आप बैकएंड पे डिफरेंट यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, एएसपी, जेएसपी, पीएचपी, अगर बैकएंड पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो देन यू नीड टू क्लिक ऑन यस. अगर आप ये टेक्निक्स यूज नहीं करना चाह रहे तो यू नीड टू क्लिक ऑन नो. तो अभी हमने क्या किया, क्लिक कर दिया नो पे. क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब देखिए वो कहेगा कि आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू वर्क विद योर ड्यूरिंग डेवलपमेंट. अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप एडिट लोकल अपनी मशीन पे ही एडिट करोगे ना, आप सर्वर पे तो हम पोस्ट नहीं कर रहे. तो हमने क्या कहना है कि एडिट लोकल कॉपीज ऑन माय मशीन, कि मैं अपनी ही मशीन पे, अपने ही कंप्यूटर पे क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट को एडिट करूंगा. ठीक हो गया. ये आपने ऑप्शन चूज कर ली. अब वो कहेगा कि व्हेन वेयर ऑन योर कंप्यूटर डू यू वांट टू स्टोर योर फाइल्स. आपने अपने कंप्यूटर में कहाँ पे अपनी फाइल्स को स्टोर करना चाह रहे हो, सी में करना चाह रहे हो, डी में करना चाह रहे हो, ई में करना चाह रहे हो, या एफ में करना चाह रहे हो. वेयर डू यू वांट टू स्टोर योर फाइल, जस्ट क्लिक ऑन इट. अब मैंने करना चाह रहा हूँ, सपोज करते हैं मैंने डी में करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डी को चूज किया. डी के अंदर कोई फोल्डर बनाना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू क्रिएट फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो. अगर नहीं करना चाह रहे तो मैंने डी पे क्लिक कर दिया. मैंने उसके बाद सेलेक्ट किया. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास क्या आ रही है, डी, यानी कि जो भी मैं फाइल काम करूंगा वो मेरी कहाँ पे सेव होती जाएंगी, डी ड्राइव में ऑटोमेटिकली फाइल सेव होती जाएंगी. मेरे फाइल की लोकेशन जो है, मेरी वेबसाइट की लोकेशन जो है इस वक्त, वो क्या है, डी है. तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया. अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रूट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जहाँ पे हमारी फाइल्स जो है वो सेव होती जाएंगी. हमने रूट फोल्डर क्रिएट किया.
अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लोकल नेटवर्क, ठीक हो गया। अब वो कहेगा कि व्हाट फोल्डर ऑन योर सर्वर डू यू वांट टू स्टोर योर फाइल। अब डी ड्राइव तो हमने चूज कर ली कि हमारा जो लोकल रूट है वो क्या है, डी ड्राइव है, लेकिन डी के अंदर क्या आप करना चाह रहे हो, डी के अंदर आप अपनी फाइल्स का कोई फोल्डर बना के करना चाह रहे हो। मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डी के अंदर, ताकि जो भी फाइल सेव होती जाए डी के अंदर उस फोल्डर में सेव होती जाए। तो मैं इधर एक क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, क्लिक ऑन न्यू, न्यू को क्लिक करने के बाद जो भी फोल्डर क्रिएट करना होगा आप फोल्डर क्रिएट करें। स्पीड इज स्लो, न्यू क्लिक किया, न्यू के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी फोल्डर की। उस फोल्डर ऑप्शन पे आपने जो भी फोल्डर का नाम रखना होगा फोल्डर का नेम रखें। मैंने फोल्डर का नेम रख दिया सपोज डेट अपना लाहौर, उसके बाद मैंने अपना लाहौर को सिलेक्ट किया। ठीक हो गया। अब देखोगे आपके पास क्या आ रहा है, अपना लाहौर आ रहा है, आपने सिलेक्ट किया अपना लाहौर को। अब ये जो मेरी रूट डायरेक्टरी होगी वो डी के अंदर क्या होगा, अपना लाहौर। नेक्स्ट किया, अब वो कह रहा है कि आप दो लोग अपनी वेबसाइट को मैनेज कर रहे हो या एक ही बंदा कर रहे हो। अगर दो लोग मैनेज कर रहे हो तो आप कर दो यस चेक इन एंड चेक आउट, कि मैं भी एडिट कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड भी एडिट कर रहा है, या मेरा जो कलीग है वो भी इस वेबसाइट को एडिट कर रहा है। इफ यू आर दी ओनली वन देन यू नीड टू क्लिक ऑन नो, नो पे क्लिक करें, नेक्स्ट करते हैं, और उसके बाद आपकी वेबसाइट का फोल्डर जो है वो रेडी हो जाएगा। अब जो डी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, डी के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स को वो क्या करेगा, कंबाइन कर देगा। अब वो इन फोल्डर्स को टोटल फाइल्स जो हैं 4478 फाइल्स, वो इन 4478 फाइल्स को कहाँ पे पेस्ट कर देगा, आपकी लोकल ड्राइव के अंदर, लोकल फोल्डर के अंदर, लोकल रूट फोल्डर के अंदर, जो आपने बनाया अपना लाहौर के नाम से। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यस बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, अब आप वेट करोगे, जैसे ही वेट करोगे उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका एक वेबसाइट का लोकल रूट का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा राइट साइड पे। ये जो राइट साइड आप देख रहे हो, जितनी भी आप वेबसाइट बनाओगे, जितनी भी वेबसाइट आप क्रिएट करोगे, वो इस राइट पैनल पे आपकी वेबसाइट क्रिएट होती जाएंगी। आपने जिस वेबसाइट को भी एडिट करना होगा, जिस वेबसाइट को भी अपडेट करना होगा, आप उस पर क्लिक करोगे और उस वेबसाइट को क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। अब आप वेट करोगे, वेट करते करोगे तकरीबन 1 to 2 minutes, 1 to 2 minutes में ये क्या करेगा, सारे का सारा डाटा कलेक्ट कर देगा आपकी डी ड्राइव से, वहां पे आपके लोकल रूट में, लोकल रूट का जो फोल्डर क्रिएट होगा उस फोल्डर में आप सारी की सारी फाइल्स को क्या कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन ओपन योर माइक और यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, राइट, हमने इसको क्या करना है कि पूरा हम इसको वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम एक पूरी प्रॉपर वेबसाइट को डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे। इट इज रेनिंग नाउ, ड्यू टू दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंटरनेट, माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग। ठीक हो गया बेटा, अब कितनी फाइल्स उसने कॉपी कर दी है ये देखिए, साथ ही आपको इफ व्यू इज क्लियर यू कैन सी दैट कि ये कॉपी करता जा रहा है, ये कॉपी करता जा रहा है, फाइल्स कॉपी होती जा रही है। जैसे सारी की सारी फाइल्स कॉपी हो जाएंगी उसके बाद आप क्या करोगे, इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दोगे। लेट वी वेट, अब वेट करने के बाद हम इस पे मजीद काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अच्छा, माय वॉइस इज नॉट क्लियर टू यू? डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, बस रह गई है दो, आई थिंक अच्छा ये कॉपी हो गई है। अब कॉपी होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको वेबसाइट को व्यू कर लेंगे राइट पैनल पे। यस, इट्स ऑलमोस्ट डन, अब बेटा डन। अब देखो जैसे ये डन हो गया तो हमने क्या बनाया था, अपना लाहौर। ये देखिए अब राइट पैनल पे क्या आ गया, अपना लाहौर। अपना लाहौर के अंदर जितने भी डी के अंदर फोल्डर होंगे वो सारे के सारे राइट पैनल पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। देखो हमने वेबसाइट का नाम क्या रखा था, अपना लाहौर। जैसे इसको मैं प्लस साइन को क्लिक करता हूँ
तो अभी हमने इसके अंदर कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं किया, हमने कोई भी पे वेब पेज इसके अंदर क्रिएट नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, अपना लाहौर के अंदर एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं। अब वेब पेज को क्रिएट करने के बाद मैंने क्लिक किया फाइल पे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन न्यू, न्यू मींस दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेब पेज। आपने न्यू पे क्लिक किया, अब देखो वो आपको ऑप्शन दे रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट एचटीएमएल, एचटीएमएल टाइप रे, लाइब्रेरी, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एक्सएमएल। अब कौन सी फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो, अगर आप डायनेमिक पेज करना चाह रहे हो यू नीड टू क्लिक ऑन डायनेमिक, अगर आप बेसिक पेज करना चाह रहे हो तो क्लिक ऑन बेसिक पेज, आफ्टर दैट यू नीड टू सिलेक्ट एचटीएमएल, आई एम गोइंग टू क्रिएट एचटीएमएल पेज। तो मैंने एचटीएमएल को सिलेक्ट किया, आफ्टर आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन क्रिएट, मैंने क्रिएट को क्लिक किया, अब मेरे पास क्या आ गया है, एचटीएमएल का पेज। अब हम एचटीएमएल के पेज को डिजाइन करने जा रहे हैं। अब एचटीएमएल के पेज में आप क्या लिखना चाह रहे हो, टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो, व्हाटएवर यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर जस्ट क्लिक ऑन इट। अब देखो इधर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो इंसर्ट में आपके पास एक ऑप्शन आएगी टेक्स्ट की। अब देखें ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास, ये दिस वन। आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, आपने जो भी आप प्रीवियस पे काम करके आए हो, बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दो, इटैलिक करना है इटैलिक पे क्लिक कर दो, आपने स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रॉन्ग पे क्लिक कर दो, हेडिंग देनी है हेडिंग पे क्लिक कर दो, व्हाट एवर यू वांट टू डू। अब देखो मैंने हेडिंग देनी है, मैंने एच वन पे क्लिक किया, अब हेडिंग वन का क्लोजिंग और ओपनिंग टैग ये दोनों आ गए, मैंने लिख दिया वेलकम डियर स्टूडेंट। अब हेडिंग वन के बाद अगर मैं टेक्स्ट बोल्ड लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्लिक करूंगा बी पे, अब देखें ये ऊपर आ गया बोल्ड। अब देखें उसने क्या किया, उसने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, आपको ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों खुद ब खुद आ गए, मैंने लिख दिया डियर स्टूडेंट्स, अब ये भी लिख दिया। अगर आप कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हो बेटा, जैसे कि आप ऑर्डर लिस्ट बनाते हो, अनऑर्डर लिस्ट बनाते हो, तो देखें ओएल ऑर्डर लिस्ट, यूएल अनऑर्डर लिस्ट, ये भी आपके पास आ रहा है, तो मैंने यूएल पे क्लिक किया। अब अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास क्या आता है, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट, आप जो भी लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो एल आई पे क्लिक करो, मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया। अच्छा ये तो सारा कुछ आप कर चुके हो, आई थिंक दैट यू हैव डन दिस इन प्रीवियस क्लासेस। अब हम न्यू कुछ करते हैं। अब न्यू है कि आपने क्या करना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो कि आप अपने मीडिया को इंसर्ट करना चाह रहे हो, देयर इज एन ऑप्शन मीडिया, आप मीडिया पे क्लिक करो। अब मीडिया पे क्लिक करने के लिए आप क्या चाह रहे हो, मैं एक रोल ओवर टेक्स्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट जो है ये प्रीवियस, तो आप आई थिंक दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन प्रीवियस क्लासेस, आप जो करके आए हो क्लास 8th में क्लास 7 में क्लास 7 में उसमें तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम टेक्स्ट को रोल ओवर करना चाह रहे हैं, हम टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हैं। अब टेक्स्ट को चेंज करने के लिए आपने क्लिक किया मीडिया पे, जैसे मैंने मीडिया पे क्लिक किया अब मेरे पास इंसर्ट में ऑप्शन चेंज हो गई। अब ऑप्शन चेंज होगी तो बेटा देखो आपके पास आ रहा है फ्लैश टेक्स्ट, मैंने फ्लैश टेक्स्ट पे क्लिक किया, वो कहता है कि इसको पहले क्या करो, इसको पहले सेव करो, मैंने कंट्रोल एस किया सेव किया। अब कहां पे हमने वेबसाइट का नाम क्या रखा हुआ है, अपना लाहौर, मैंने अपना लाहौर का फोल्डर चूज किया और यहाँ पे मैंने नाम रख दिया, सपोज करते हैं होम पेज, होम के नाम से मैंने इसको सेव किया। अब देखो बेटा जैसे ये सेव हो गया, अब हम क्या करते हैं, मैंने ए पे क्लिक किया, फ्लैश टेक्स्ट पे क्लिक किया, फ्लैश टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई। इस विंडो में आप टेक्स्ट क्या लिखना चाह रहे हो, मैंने लिख दिया सेंट एंथनीज हाई स्कूल लाहौर कैंट। अब देखेंगे आपका यानी कि इनिशियल टेक्स्ट का कलर क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि साइज इसका होगा 30। अब इसका कलर क्या होगा, इनिशियल कलर इसका होगा ब्लू। अब ब्लू के ऊपर जैसे मैं कर्सर लेके आऊंगा तो किसमें ये चेंज हो जाएगा, मैं कहता हूँ ये चेंज हो जाए यानी कि रेड के अंदर, ठीक हो गई, ब्लू होगा इनिशियल पे और जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आऊंगा ये चेंज हो जाएगा रेड के अंदर। अब अगर इसका बैकग्राउंड कलर देखना चाहते हैं तो वो कहता है बैकग्राउंड कलर रखना चाह रहे, मैंने बीजी कलर रख दिया इसमें, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद मैंने कर दिया ओके। अब देखिए बेटा जैसे मैंने F12 प्रेस करूंगा, F12 आपने इसका व्यू देखने के लिए F12 प्रेस करेंगे, ये देखिए बेटा इट्स व्यू,
अब ये आ गया आपके पास व्यू। हमने क्या लिखा था, हेडिंग वन, उधर हमने लिखा था वेलकम डियर स्टूडेंट, उसके बाद टेक्स्ट लिखा था स्ट्रॉन्ग बोल्ड लिखा था डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी, लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमने एक टेक्स्ट लिखा था सेंट एंथनी हाई स्कूल हो कैंड। अब देखिए उसका एक बैकग्राउंड आ रहा है, जैसे इसके ऊपर मैं कर्सर लेके आता हूँ, देखें टेक्स्ट कलर चेंज, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ टेक्स्ट कलर चेंज, ठीक हो गई। पहले टेक्स्ट कलर क्या था, पहले टेक्स्ट कलर था हमारे पास ब्लू था, जैसे मैंने इस पे ऊपर कर्सर लेके आया टेक्स्ट कलर चेंज हो गया रेड में। इज देयर एनी क्वेश्चन टिल नाउ, कोई क्वेश्चन है पूछ ले बेटा।